नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल डिवाई के सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए बना हुआ है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं डिवाई के डिवाइडर को लेकर कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार ने डिवाइडर को गिरफ्त कर रखा है और कौन होगा इसके जिम्मेवार, डिवाई की जनता, डिवाई जनप्रतिनिधि या फिर नगर पालिका। देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी आज खड़ा हूँ रेलवे रोड पर, जो कि डिवाई विधानसभा का मेन रोड है दिल्ली टू बदायूं। ये NH 93 के नाम से जाना जाता है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि इधर भी रोड है और इधर भी रोड है, और मैं डिवाइडर पर खड़ा हूँ। आज हमारा मेन उद्देश्य डिवाइडर ही है कि किस प्रकार से डिवाइडर में भी भ्रष्टाचार किया गया है। वायु प्रदूषण है, और वायु प्रदूषण आप देख रहे हैं दिल्ली से लेकर नोएडा, बुलंदशहर, सिकंदराबाद, डिवाई, यहाँ तक आप देख रहे हैं धुंध ही धुंध है। और इस धुंध से बचने के लिए हमने ना तो पर्यावरण को सर्वा माना है और ना ही कुछ अन्य को। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से वायु प्रदूषण चरम सीमा पर है। और हमने आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी देखा था तो लगभग 253 एयर क्वालिटी थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम डिवाइडर की बात करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, और भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत हम आपको दिखाते हैं इधर से। तो आप देख रहे हैं कि ये पेड़ हैं, हालांकि यहाँ पर हर जगह हर कोने पर पेड़ लगे हुए थे, लेकिन हुआ क्या था कि भ्रष्टाचार के जो भी आरोपी हैं, जो भी यहाँ की नगर पालिका है, आप जानते हैं नगर पालिका का भी चुनाव आने वाला है, और नगर पालिका का चुनाव आने तक हम नगर पालिका की पोल खोलते नजर आएंगे पूरे चुनाव में। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर पेड़ होने थे, लेकिन नगर पालिका का भ्रष्टाचार। तो साथियों, हमने डिवाइडर दिखाया, डिवाइडर में हम आपको पूरी डिवाई का डिवाइडर दिखाएंगे। और आप देख रहे हैं कि इस डिवाइडर पर जो कि सरकारी है, यहाँ पर उपले पाते जा रहे हैं, उपले बनाए जाते हैं, लेकिन इसका कोई भी ना तो सस्पेंस उठाने वाला है और ना ही कुछ इस पर कार्रवाई करने वाला है। जहाँ पेड़ वो दिखाए जो बने हुए हैं, यहाँ की जो जनता है वो डिवाइडर पर पेड़ पौधे लगाने की जगह उपले बना रही है। और जो भी यहाँ के प्रत्याशी हैं, नगर पालिका के प्रत्याशी हैं, एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे भी फ्लैक्सों से ये जो डिवाइडर है पाट दिया गया है। यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं या नगर पालिका है, ना तो इस पर कोई सस्पेंस करता, ना ही कोई कार्रवाई करता, और फ्लैक्स पाट दिए जाते हैं। डिवाइडर को, रोड को हरा भरा बनाने के लिए तो कोई आगे नहीं आता, लेकिन वोट लेने के लिए सभी आगे आ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से इस डिवाइडर की बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, और ये डिवाइडर भी भ्रष्टाचार की भेंट। साथियों, अभी हमने रेलवे रोड मेन चौराहे का आपको दृश्य दिखाया था कि किस प्रकार से वहाँ पर
उपले बन रहे थे, फ्लेक्स लगा दिए गए हैं, जिससे कि यात्रीगणों को बहुत ही असुविधा होती है। अब मैं एक भ्रष्टाचार का नमूना दिखाता हूँ। वो नमूना और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसका कोई अभी तक पता नहीं है। कौन प्रतिनिधि है, किसके शासन में ये रोड बना था और किस समय ये डिवाइडर लगा दिया गया था, ये अभी तक इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये डिवाइडर टूटा हुआ है। ये कहीं ना कहीं उदाहरण है भ्रष्टाचार का। समय से पूर्व ही रोड खराब हो जाते हैं, रोड खराब नहीं होते तो डिवाइडर टूट जाते हैं। ये डिवाइडर की रेलिंग है जो कि आप देख रहे हैं किस प्रकार से, अगर हम देखें, अगर हम ठीक प्रकार से देखें तो ये देखिए, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे ये देखिए कि इसकी जो सीमेंटेड जगह है वो भी उखड़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर या तो इंजीनियर्स की कमी है या फिर यहाँ के जो नगरपालिका से लेकर जो भी प्रशासनिक और शासनिक व्यवस्था है वो इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। हम नगरपालिका चुनाव से पहले पूरी डिवाई में भ्रमण कर रहे हैं और जो भी भ्रष्टाचार के सबूत हैं, जो भी भ्रष्टाचार के उदाहरण हैं, हम आपको पेश कर रहे हैं अपने चैनल एक संदेश के माध्यम से। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये रेलिंग भी टूटी हुई है। ये किसकी कमी जानी जाए, शासन की जानी जाए या प्रशासन की जानी जाए या जो टेंडर लेने वाली कंपनी है उसकी कमी जानी जाए, तो कहीं ना कहीं इसमें ज़रूर भ्रष्टाचार हुआ है। कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार से यहाँ भ्रष्टाचार पल रहा है। और साथियों, अभी हमने आपको पूरे डिवाइडर का विवरण दिया है और कहीं डिवाइडर टूटा हुआ है, कहीं भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण आपको पेश नज़र आ रहा है और कहीं पेड़ पौधे गायब हैं और कहीं कहीं पेड़ पौधे हैं तो वो आम व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी से है। वो नैतिक जिम्मेदारी क्या है, हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने जो कि पतवारी देवालय में पंडित जी हैं, उन्होंने इन पेड़ पौधों का रखाव किया है, रख रखाव किया है। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इनमें पानी की व्यवस्था, पानी लगाने की व्यवस्था की गई है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि पानी का पाइप भी दिखाया जाए कि किस प्रकार से इन्होंने जाल पानी का बिछा रखा है कि ये पौधे जीवित रहें। वायु प्रदूषण की मार है दिल्ली से लेकर बुलंदशहर तक, लेकिन पेड़ पौधा सरकार हर बार करोड़ों लगा देती है लेकिन उनका रख रखाव ना तो नगर पालिका करती है और ना ही सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे जो घास होती है, तुलसा जी का भी पौधा है, बबूल का भी है, बहुत सारे पौधे इन्होंने अपनी तरफ से लगाए हैं। नगर पालिका की क्या जिम्मेदारी है और सरकार की क्या जिम्मेदारी है, ये सवालिया निशान खड़ा करता है। हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ के पंडित जी, जो देवाल पतवारी देवालय मंदिर के पंडित जी हैं। तो पंडित जी, पहले तो ये बताइए कि आपने ये पौधे लगाए हैं या नगर पालिका ने लगाए हैं? हमने ही लगाए। आपने ही लगाए? तो आप उधर देख के बात करिए कि ये जो पौधे लगाए हैं इसमें नगर पालिका ने एक भी पौधा लगाया या नहीं लगाया? ना, हमने लगाए हैं जी। सब आपने ही लगाए? हाँ, हमें पानी लगा देते हैं, पानी लगा देते। अच्छा, पानी लगाने की जो आपने व्यवस्था कर रखी है, ये विचार कैसे मन में आया? कैसे विचार आओ, वो नगर पालिका ने लगाओ ही नहीं पानी, फिर हमने लगाओ फिर। अच्छा, हाँ। तो पंडित जी, नगर पालिका भी कभी कभार जब अधिकारी गढ़ आते हैं तब काम पे लग जाती है ना? जब अधिकारी गढ़ आते हैं तब तो काम करते हैं, इसकी साफ सफाई भी करने लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई कार्य नहीं होता। ना, ना, ना। उसके बाद उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? ना, कोई जिम्मेदारी ना। नगर पालिका का चुनाव आने वाला है, अभी सभी प्रत्याशी लड़ेंगे, नए नए वादे करेंगे, तो आप उन प्रत्याशियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो कहना चाहेंगे, काम करते ही ना आए वे, और का कहना चाहते बस। तो आप लगभग ये वर्क कब से करते आ रहे हैं, ये कार्य कब से कर रहे हैं? बहुत दिन से चले आ रहे हैं हम तो। आज तक कोई भी नगर पालिका कर्मचारी इसमें पानी तक लगाने? ना, ना, कोई नहीं पानी लगा। पानी लगा, ये देखिए, नगर पालिका की जिम्मेदारी तो है ही, उसके साथ साथ
ये हम लोगों का परम कर्तव्य भी है कि हम पेड़ पौधों को भी बचाएं, हम अपने पेड़ पौधों को बचाएं जिससे पर्यावरण दूषित ना हो और पर्यावरण सुदृढ़ बने, सुंदर बने। तो आप हमारे साथ देख रहे हैं किस प्रकार से हमने इस पूरे डिवाइडर का विवरण किया और विवरण दिया। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। राहुल लोधी, एक संदेश।